और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुपर ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की, जान लीजिए। फैसला लिया है बच्चों के हितों को देखते हुए पीएम ने ये फैसला लिया है। जी हाँ, बड़ी खबर इस वक्त की निकल गई सामने। अरे बोर्ड परीक्षा 2022 से जुड़ी, बोर्ड परीक्षा 2022 को लेकर सरकार की तरफ से आज एक बहुत ही बड़ी घोषणा कर दी गई। सभी छात्रों के लिए कुछ खबरें निकल गई सामने आ रही, जो इस बार बोर्ड परीक्षा 2022 देने वाले है उन तमाम स्टूडेंट के लिए कुछ खबरी है जो ये कह रहे थे कि इस बार तो हमारी पढ़ाई नहीं हुई है तो हम परीक्षा किस हिसाब से देंगे। लेकिन सरकार ने इसका रास्ता खोज दिया है और अब आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी घोषणा कर दी है जिसकी संपूर्ण जानकारी हम जानेंगे इस वीडियो में। तो साथ में तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, साथ ही आप अपने बोर्ड का भी नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा ताकि आपके बोर्ड से जुड़ी जब भी कोई अपडेट आएगी सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। देखिए हमारे छोटी सी रिपोर्ट में एक बहुत ही बड़ी खबर आप सभी को बता दें, कोरोना काल की वजह से इस साल विद्यार्थी पढ़ाई बहुत ही ज्यादा बाधित हुई जिसको देखते हुए सरकार ने आज एक बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया। सरकार ने कहा है कि इस बार जो आपकी दो टर्म की परीक्षा होने वाली है उसमें फर्स्ट टर्म की परीक्षा जो होने वाली है वो पूरी ऑब्जेक्ट टाइप से यानी अब सदे के हिसाब से आपके आने वाली है, ए बी सी डी के हिसाब से आएगी जिससे में केवल आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको उत्तर दिया रहेगा और उसी उत्तर में से छांट के आपको वहां पे आंसर देना होगा। तो ये सभी छात्रों के लिए खुशखबरी निकल के सामने आ रही क्योंकि इस बार बहुत ही शानदार हो जाएगा और इसके अंदर जो आपको टाइम दी जाएगी वो 90 मिनट दी जाएगी। 90 मिनट के अंदर आपको आसानी से आप सवाल को जो हल कर सकते हैं और 50% सिलेबस आपका फर्स्ट टर्म में कवर हो जाएगा और उसके बाद में 50% जो आगे का बचेगा वो बाद में आपका जो सेकंड टर्म की परीक्षा होगी उसके अंदर कवर कर दिया जाएगा। तो सरकार ने बहुत ही शानदार फैसला लिया है, इस पर आप सभी लाल क्या कमेंट सेक्शन में जुड़ लीजिएगा।